हेलो रैंडम गेमर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज किस वीडियो में हम खेलने वाले पोकेमोन यूनाइट, वो भी मियोटू के साथ। वैसे ये एक टेस्ट सर्वर, अभी तक मियोटू गेम के अंदर आई नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मियोटू को ट्राई कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। गेम के अंदर यहाँ पे एक ही मियोटू है, पर इसके दो फॉर्म दिए गए, एक्स और वाई। हम दोनों में से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर सकते एक मैच के अंदर। अगर मैंने जैसे एक्स ले लिया तो मेरा कोई भी टीममेट वाई वाली सिलेक्ट नहीं कर सकता है। अगर मैंने वाई ले ली तो कोई एक्स वाली सिलेक्ट नहीं कर सकता है। तो गेम के अंदर हम सिर्फ एक ही मियोटू को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम खेलने वाले इन दोनों फॉर्म के साथ, तो मैं एक एक करके ये दोनों फॉर्म ट्राई करूंगा। लास्ट के अंदर रिव्यू दूंगा कि मुझे ये कैसा पोकेमॉन लगा। और इसके साथ मैं ये भी बता देता हूं कि जो वाई वाली फॉर्म है वो है अटैकर की, और एक्स वाली फॉर्म है वो ऑलराउंडर है। वैसे जो पोकेमॉन की सीरीज है उसको तो आपने देखा ही होगा, और आपको ये भी पता होगा कि मियोटू कितना ज्यादा पावरफुल है और ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो इसी के साथ हमारा गेम भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं अटैक सेलेक्ट कर देता हूँ कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे बैरियर अटैक दिया गया था, वो मेरे ख्याल से कोई डिफेंसिव टाइप का अटैक होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही मेन अटैक होता है जिससे हम डैमेज कर सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मली रियल गेम के अंदर फार्म तो नहीं लेता, पर इस बार यहाँ पे मैं इसलिए फार्म ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा जो पैसिव मूव है जिसकी मदद से हम मेगा इवॉल्व हो सकते हैं वो लेवल 5 पर अनलॉक होगा। मुझे जल्दी से जल्दी वो ट्राई करना है। वैसे ये पोकेमॉन भी अटैकर है जैसे ग्रे निंजा और सिंड्रेंस वगैरह है, पर इसके जो भी अटैक है उनकी मदद से कोई भी क्रिट वगैरह नहीं लग रहा है, ये सिर्फ नॉर्मली एक अमाउंट ऑफ डैमेज कर रहा है। वैसे ये कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अटैकर है जिनका डैमेज कम होता है और उनका मूव डैमेज ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से शायद इसका मूव डैमेज ज्यादा होगा, क्योंकि इसके बेसिक अटैक से कोई भी ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा, सिर्फ एक सेट अमाउंट ऑफ डैमेज ही कर पा रहा है। वैसे मियोटू के साथ ये मेरा फर्स्ट मैच है, तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। बस मैंने इसके मूव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था मैच स्टार्ट करने से पहले। क्या आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की इसके मूव के अंदर? यहाँ पे मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की है इसके मूव के अंदर। ये अपने बेसिक अटैक से शैडो बॉल फायर कर रहा है, और इसके पास एक कन्फ्यूजन मूव है, और उसका डैमेज शैडो बॉल से भी ज्यादा है। नॉर्मली शैडो बॉल का डैमेज कन्फ्यूजन अटैक से ज्यादा होता है। लेवल 5 होने पर यहाँ पे मेरे पास दो मूव सेट थे, यहाँ पे एक साइड स्ट्राइक था और एक फ्यूचर साइड था। मैंने यहाँ पे साइड स्ट्राइक इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जब मैंने इसके मूव साइड के बारे में पढ़ा था तो मुझे पता चला कि साइज स्ट्राइक का डैमेज ज्यादा फ्यूचर साइड से। चलिए अभी ट्राई भी कर लेते हैं कि इसका डैमेज कितना ज्यादा है। तो ये बेसिक अटैक से तो कोई डैमेज नहीं कर रहा, तो मैं इसके ऊपर साइज स्ट्राइक करने की ट्राई करता हूँ। ये इसके ऊपर साइज स्ट्राइक लगा, और इस तरीके इसके ऊपर कुछ ज्यादा डैमेज हो गया एक साथ। आपने वो लास्ट बॉल देखा था जो इसने फेंका था, उससे कुछ ज्यादा ही डैमेज हो रहा है। तो नॉर्मल साइज स्ट्राइक के अंदर यहाँ पे एक बीम मारता है, जैसे वो कन्फ्यूजन या फिर ऐसे कोई बीम वगैरह कह सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। उसके बाद में ये लास्ट एक हिट मारता है, ये पूरी होने के बाद जब वहाँ पे जो हिट लगती है लास्ट हिट, उसके अंदर सामने वाला थोड़ा बहुत स्टंट भी होता है, इसके साथ कुछ ज्यादा ही डैमेज होता है। जो भी कोई ये वाला मूव मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर ये स्टंट भी करता है लास्ट में, और लास्ट जो हिट देता है उसके अंदर कुछ ज्यादा यानी एक मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज करता है। पर मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं यहाँ पे मेगा इवॉल्व कैसा होऊंगा। यहाँ पे मेरे पास कोई भी साइड में ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से मैं मेगा इवॉल्व हो सकूं, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी मेगा इवॉल्व स्टोन भी नहीं है। जब मैंने इसके पैसिव एबिलिटी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था ये मेगा इवॉल्व लेवल 5 के बाद हो सकती है, पर यह तो अभी तक नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 5 नहीं, लेवल 6 के ऊपर 500 का क्रिट लगा, वो भी बेसिक अटैक से। मुझे नहीं पता था ये बेसिक अटैक से क्रिट भी मारती है। तो लेवल 7 पे यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन था टेलीपोर्ट और एक था रिकवरी। तो मैंने यहाँ पे टेलीपोर्ट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये एक अटैकर पोकेमॉन है, और अटैकर पोकेमॉन के लिए स्पीड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉर्मली अभी हमारे सारे मूव अनलॉक हो चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक यूनाइट मूव बचा है जिसे हमें अनलॉक करना होगा, और वो अनलॉक होगा लेवल 9 पे, जो नॉर्मली होता है सारे पोकेमॉन। तो मुझे ये नहीं पता कि ये मेगा इवॉल्व कब होगी और कैसे होगी। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगने लगा है कि यूनाइट मूव की मदद से हम इसे मेगा इवॉल्व कर सकते हैं, यानी हम जब भी मेगा जब भी हम यूनाइट मूव यूज करेंगे तब ये मेगा इवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे टेलीपोर्ट मूव मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रह रहा है, क्योंकि इसकी मदद से मैं भाग पा रहा हूँ आसानी से, और मुझे कोई भी टारगेट नहीं कर पा रहा है। और टेलीपोर्ट मूव की काफी ज्यादा अच्छी खासी रेंज है, और मैं इसे दो बार यूज कर सकता हूँ, यानी लगातार मैं इसे दो बार यूज करके काफी ज्यादा अच्छी खासी डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, जो कि मियोटू को काफी ज्यादा अच्छी मोबिलिटी दे रहा है। स्टार्टिंग के अंदर मियोटू के बेसिक अटैक से कोई भी क्रिट वगैरह नहीं लग रहा था, पर यहाँ पे लेवल अप होने के बाद इसके बेसिक अटैक से कभी कभार क्रिट वगैरह लग रहा है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने बेसिक अटैक से भी क्रिट मार रही है और इसका मूव डैमेज भी काफी ज्यादा है। तो इसके कारण ये काफी ज्यादा यूज अमाउंट ऑफ डैमेज कर सकती है एक मैच में। आई थिंक मेरा लेवल कुछ ज्यादा, अरे यहाँ पे मेगा इवॉल्व हो गई मियोटू। मुझे नहीं पता ये मेगा इवॉल्व हुई कैसे, पहले मुझे लग रहा था कि यूनाइट मूव से ये मेगा इवॉल्व होगी, पर ये यूनाइट मूव से मेगा इवॉल्व नहीं, ये ऐसी मेगा इवॉल्व हो गई। पर अभी भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेगा इवॉल्व हुई कैसे, यहाँ पे मैंने यूनाइट मूव भी यूज नहीं किया है। पर मुझे यहाँ पे एक अभी भी डाउट है कि ये क्या अभी मेगा इवॉल्व फॉर्म के अंदर ही रहेगी या फिर नॉर्मल फॉर्म में नहीं, यार ये तो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ गई। पर मुझे ये नहीं पता चला कि मेगा इवॉल्व हुई कैसे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेगा इवॉल्व होने का फायदा क्या, इसका मूव तो वो के वही थे। तो यहाँ पे मूव तो वो के वही थे, पर यहाँ पे इसका जो डैमेज और स्पीड था वो इंक्रीज हो गया था। तो यहाँ पे मुझे ये तो नहीं पता कि ये फिर से कब मेगा इवॉल्व होगी, तो वो वाली के लिए मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ ताकि आप जो भी चेंजेस है उसे नोटिस कर सके। हाँ, तो यहाँ पे हमारी मियोटू मेगा इवॉल्व हुई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डैमेज कुछ ज्यादा है, बेसिक अटैक से भी 1000 तक का क्रिट लग रहा है, और इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही हो चुकी है।
हाँ, तो उस वीडियो क्लिप के अंदर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो वो वीडियो क्लिप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। मियोटो जब मेगा इवॉल्व होती है तो वो अपने बेसिक अटैक से एरिया डैमेज करती है, और जहाँ तक मियोटो की बात रही तो ये अपने बेसिक अटैक से सिर्फ एक सिंगल टारगेट को डैमेज करती है। मतलब कि आपका एक तो ऑलरेडी डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, यानी बेसिक अटैक से भी क्रिट लग रही है वो भी 1000 तक की, और उसके अंदर भी आप एरिया डैमेज कर रहे हैं। मतलब बात ही मत पूछो, इतना ज़्यादा डैमेज। अगर मियोटो अपने रियल सर्वर के अंदर आ गए, जिस सर्वर को हम नॉर्मली खेलते हैं, तो मतलब बात ही मत पूछो, पूरा मैदान में तबाही मचा के रखते कि इसका डैमेज इतना ज्यादा है। मतलब बेसिक अटैक से भी ये क्रिट मार रही है, और वो भी एरिया डैमेज के साथ। अगर हम इस गेम के और दूसरे पोकेमॉन से इसे कंपेयर करें, तो अगर कोई पोकेमॉन अपने बेसिक अटैक से क्रिट मारता है तो वो एरिया डैमेज नहीं करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑलराउंडर तो अपने बेसिक अटैक से क्रिट भी मारते हैं और एरिया भी डैमेज करता है, तो भाई उनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा शॉर्ट रहती है, और यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर से क्रिट और एरिया डैमेज दोनों कर रही है। पर अभी तक मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि ये कब मेगा इवॉल्व होती है और कैसे मेगा इवॉल्व होती है। और अगर ये अपनी मर्जी से मेगा इवॉल्व होती है तो ये किसी भी काम का नहीं, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा कि मेगा इवॉल्व फॉर्म ज्यादा टाइम तक रहती नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने एक सिर्फ एक मूव के साथ इसने गार्ड स्वॉर्म की आधी हेल्थ ब्लो कर दी, और अगर इसके एक मूव का डैमेज इतना ज्यादा है कि ऑलराउंडर की आधी हेल्थ चली जाए, तो मतलब ये अटैकर पिकाचू जैसे पोकेमॉन तो सिर्फ इसके एक मूव के अंदर मर जाएंगे। इसका मतलब तो आपने अगर किसी स्पीटर या फिर अटैकर को एक बार टारगेट कर दिया तो उसका मरना मतलब तय ही है, क्योंकि एक तो इसका ये अटैकर जो ये श्योर हिट के साथ लगता है, आपका ये अटैक मिस हो ही नहीं सकता। माना कि मियोटो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और सीरीज के अंदर इसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल बताया गया, पर गेम के अंदर इतना पावरफुल बताना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर इतना पावरफुल पोकेमॉन अगर गेम में लाएंगे तो मतलब दूसरे पोकेमॉन से तो कोई खेल ही नहीं सकता। जी, और कैसे नहीं बच सकते वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑलराउंडर 40000 है, और वो 40000 तो काफी आसानी से मर गए, और यहाँ पे एक स्पीटर टैलॉन फ्लेम वो भी काफी आसानी से मर गए, और रेड 9 टैल्स की बात तो यहाँ पे इसके साथ 2000 का क्रिट लग गया, और ये भी ढेर। स्पीटर और अटैकर तो इसके एक मूव के अंदर ही मर जाते हैं। रही बात सपोर्टर ऑलराउंडर और डिफेंडर की, तो उनकी भी लगभग आधी हेल्थ तो चली जाती है इसके एक मूव के अंदर, और अगर आपके साथ कोई आपका टीममेट भी है तो मतलब सामने वाला तो बच ही नहीं सकता इससे। और यहाँ पे मजेदार बात तो ये, जब भी ये रियल सर्वर के अंदर आएगी आपको ये इवेंट के अंदर एकदम फ्री में मिलने वाली है। तो चलिए फिर से इसका डैमेज देख लेते हैं कितना ज्यादा। अरे यहाँ पे ये फिर से मेगा इवॉल्व हो गई, मुझे ये नहीं समझ में आया ये मेगा इवॉल्व कब हो रही है और कैसे हो रही है। आपको अगर पता चले तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मुझे एक बार ट्राई करना है। ये अपने मेगा इवॉल्व फॉर्म के अंदर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मतलब पिकाचू को तो देखते मैप से गायब कर दिया पूरी तरीके से, और यहाँ पे एक गार्ड चौंप आ चुका है, तो मैंने इसके ऊपर अपना मूव यूज कर दिया, और आप देख सकते हैं पूरे 98% हेल्थ लो कर दी इसने सिर्फ अपने मूव के साथ। ये डैमेज तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है इसका। मियोटो से खेलने की एक्साइटमेंट और इसका डैमेज टेस्ट के अंदर मुझे तो ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने इसका यूनिट मूव एक बार भी यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसका यूनिट मूव यूज करके देखने वाला हूँ कि इसके यूनिट मूव से क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना यूनिट मूव यूज कर दिया, और ये क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया इसके यूनिट मूव से, पर जो भी हुआ कुछ ज्यादा डैमेज हुआ, और सबके ऊपर हुआ, जो भी यहाँ पे खड़े थे उन सबके ऊपर डैमेज हुआ। इसका यूनिट मूव कुछ ज्यादा अलग था, मुझे लगा था कोई बड़ा सा शैडो बॉल वगैरह मारेगी ऊपर जाके, पर यहाँ पे कुछ अलग ही सीन हुआ। मुझे नहीं पता यहाँ सबके ऊपर या कुछ लेजर जैसा कुछ गिरा और सबको डैमेज हुआ जो भी वहाँ पे खड़े थे। तो यहाँ पे हमारी मियोटो फिर से मेगा इवॉल्व हो चुकी है, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये मेगा इवॉल्व कब होती है। मेरे ख्याल से हम 2 या फिर 3 किल करते हैं तो ये मेगा इवॉल्व हो जाती है। ये सिर्फ मैंने एक अंदाजा लगाया, रियलिटी में ये कब मेगा इवॉल्व होती है मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे आप डैमेज देख सकते हैं और अटैकिंग की स्पीड देख सकते हैं, अटैकिंग स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और यहाँ पे मैं स्टैक कर करके अपना यूनिट मूव फिर से अनलॉक करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ये मियोटो के क्यो स्ट्राइक बता रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी क्यो स्ट्राइक 5, मुझे पता नहीं चल रहा। इतनी आसानी से मेरी हेल्थ का एक पॉइंट लो नहीं हुआ, और यहाँ पे मैंने क्यो स्ट्राइक 5 भी कर दी। मियोटो जब मेगा इवॉल्व होती है तो इसका अटैक और स्पीड तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ इसकी अटैकिंग स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने इसके ऊपर रैपिड फायर स्कार्प लगा रखा है। तो यहाँ पे मेरा यूनिट मूव फिर से अनलॉक हो चुका है, तो मैं इसे वाइल्ड पोकेमॉन के ऊपर पहले यूज करके देखने वाला हूँ कि इससे रियलिटी में होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया यूनिट मूव, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर तरफ नाइट टैल्स मर चुके हैं, वो भी इतनी दूर से। मैंने उसके ऊपर यूनिट मूव थोड़ी यूज किया था, मैंने तो इसे वाइल्ड पोकेमॉन के ऊपर यूज किया था। मतलब क्या चल रहा है यूनिट मूव के अंदर, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा इसने यूनिट मूव से किया क्या है। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पिछली बार कहा था कि हम 2 या फिर 3 किल करते हैं तो ये मेगा इवॉल्व होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेस्टैक 4 भी कर दी। ये कब कैसे मेगा इवॉल्व होती है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और इसके यूनाइट मूव के अंदर इसने नाइट टेल्स को मार दिया, पता नहीं कैसे मारा, वो भी इतनी दूर से, और मैंने उसे टारगेट भी नहीं किया था, मैंने तो वाइल्ड पोकेमॉन के ऊपर यूज किया था। पता नहीं चल रहा इसके यूनाइट मूव में ये किसे टारगेट कर रही है। तो फाइनली अभी यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट बची है और यहाँ पे रैकुजा आ चुका है, तो मैं इसे सोलो लेने की ट्राई करता हूँ। पता नहीं मेरी टीम कहाँ पे है। नहीं, मेरी टीम वाले भी यहीं पे वो आ रहे हैं, तो मैं अभी फिलहाल अपोनेंट टीम के लिए देखता हूँ। अगर यहाँ पे कोई अपोनेंट टीम वाला हुआ तो मैं उसे किल कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे आसपास तो कोई भी अपोनेंट टीम वाला नहीं दिख रहा है, वहाँ पे टैलॉन फ्लेम दिख रहे तो काफी ज्यादा दूर है, इतनी
वैल्यू वो यहाँ पे आ नहीं पाएगी, तो मैं म्यूटू की मदद से लास्ट हिट लेने वाला हूँ, क्योंकि म्यूटू का डैमेज कुछ ज़्यादा और ये आसानी से लास्ट हिट ले सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा आसानी से लास्ट हिट ले ली। म्यूटू की मदद से हम लास्ट हिट इतनी आसानी से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये एक रे या फिर आप जो भी बीम वगैरह को वो फायर करती है तो उसके अंदर ये कंटिन्यूसली डैमेज करती रहती है, जिसके कारण हमें लास्ट हिट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सारे पोकेमॉन को यानी अपोजिट टीम वालों को वन शॉट किए जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कोई भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा, सबके सब लगभग वन शॉट होते जा रहे हैं। और यहाँ पे दो पोकेमॉन को अलग से समझाना पड़ेगा जो कि हमारे बेस के ऊपर गोल कर रहे हैं। तो चलिए नाइनटेल्स और चालीसार्ड को बता देते हैं कि हमारे बेस के ऊपर गोल करने का क्या नतीजा होता है। तो यहाँ पे नाइनटेल्स तो मतलब वन शॉट हो गए एकदम पूरी क्लियर। और यहाँ पे चालीसार्ड के ऊपर बेसिक अटैक से क्रिट लगे जा रही है, लगभग आधी हेल्थ तो चली गई और ये भी गया काम से। यहाँ पे एक मिनट बच चुकी है तो मेरे ख्याल से मैं फिर से एक बार गोल कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है और हम आसानी से पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो मैं फिर से जाके गोल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल 18 पॉइंट्स बचे पड़े और यहाँ पे मेरा यूनिट मूव भी बचा है, तो मैं उसे भी यूज करके एक बार और ट्राई करने वाला हूँ, अगर इस बार हमें कुछ समझ में आ जाए तो। सामने मेरे ख्याल से यहाँ पे दो पोकेमॉन है तो इनके ऊपर मैं अपना यूनिट मूव यूज करके देखने वाला हूँ इनके साथ क्या होता है। अरे यार सिर्फ इतना सा डैमेज हुआ इनके ऊपर, मुझे नहीं पता इतना सा डैमेज कैसे हुआ। मेरे ख्याल से इनके ऊपर शील्ड थी तो शील्ड टूट गई, इनके ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। तो यहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी गोल करना है, पर मुझे नहीं लगता ये गोल करना देंगे क्योंकि मेरी शील्ड टूट गई है। तो मेरे ख्याल से मुझे भागना ही सही रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पे मेरी काफी ज्यादा हेल्थ लो कर दी है इन्होंने, पर यहाँ से मुझे दूर से फाइट लेनी पड़ेगी। पता नहीं आउट होऊंगा या फिर बच जाऊंगा। यहाँ पर अभी फाइट लेने का रीजन ये कि अभी टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है, अगर मैं यहाँ पे आउट भी हो जाता हूँ तो भी इन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ काफी ज्यादा लो है, मुझे नहीं पता मैं आउट होऊंगा या फिर बच जाऊंगा। तो मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इनसे दूर रहूँ, इन्हें ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सकूँ। यहाँ पे 40,000 टैलोन फ्लेम और 9 टेल्स तीनों के तीनों आ गए और यहाँ पे विनोसॉर है हमारी टीम वाला। और जो कोई भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप भी इस म्यूटू के साथ खेलना चाहते हैं तो टेस्ट सर्वर की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इस म्यूटू को ट्राई कर सकते हैं। अटैकर फॉर्म से तो मैंने आप सभी को खेल के दिखा दिया, ऑलराउंडर आप खुद ट्राई कीजिए और देख लीजिए कितना ज्यादा पावरफुल है।